हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चिमनाथ चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिर एक बार फिर हाजिर हैं लेके क्वांटम नंबर पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल आती हैं। इसमें से कुछ सवाल जो है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कैलकुलेट फोर क्वांटम नंबर फॉर एल्युमिनियम लास्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, कैलकुलेट फोर क्वांटम नंबर फॉर वैनेडियम 3D लास्ट इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहां पर देखिए कैलकुलेट फोर क्वांटम नंबर फॉर एल्युमिनियम लास्ट इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए, इस सवाल को लगाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होगा। तो लिख लेते हैं एल्युमिनियम, इसका जो है जो एटॉमिक नंबर होता है वह 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इस तरीके से एल्युमिनियम का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब लिखा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका 13वां इलेक्ट्रॉन होगा, 13th इलेक्ट्रॉन होगा। इसके लिए हमको इसका ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो P में कितने होते हैं, 3 और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब इसके बाद ये जो हमारा होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होती है, तो इसके लिए जो n की वैल्यू होगी वह होगी 3। ठीक, यानी कि ये जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, जिसके सामने जो भी लिखा हुआ है वह क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखी हुई है। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 3 होगी। अब हम आगे एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं, एल की वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है, पी के लिए वह क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर एल इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर की ओर, एम की ओर। एम इक्वल टू कितना होगा, ये एन हो गया, एल हो गया, और इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, एम। एम हमारा क्या, इसी को बनाते हैं प्लस माइनस। तो यहां पर देखिए -1, 0, +1। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जहां जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसी के ओरिएंटेशन को लिखा जाएगा, उसी के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखा जाएगा। तो यहां पर एम की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी इस वाले खाने में। अब ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर है तो इसके लिए यहीं पर हम जो है प्लस हाफ लिख दें, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए जो हम क्या लिखेंगे, यस की वैल्यू को लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है यस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए इसका हेड ऊपर है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस हाफ। तो इस तरीके से जो है हम ऑल फोर क्वांटम नंबर्स को जो है कैलकुलेट कर लिए एल्युमिनियम लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसको नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट फोर क्वांटम नंबर फॉर वैनेडियम 3D लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले हमको वैनेडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 23 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमको लिखना पड़ेगा। तो हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d। यहां पर क्या होगा, 3d 3 होगा, और यहां पर जो है 4s2 होगा। तो यहां पर 3d लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो 3d जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा जो है, हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर गिन लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 21वां इलेक्ट्रॉन होगा, 21वां इलेक्ट्रॉन होगा। उसी के लिए हमको जो है NLMS की वैल्यू निकालनी है, फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3D 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, n इक्वल टू हमारा आएगा 3। और यहाँ पर देखिए d है, तो d के लिए हमारा क्या होता है, n की वैल्यू d इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। p के लिए 1 होता है, इसके लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो यहाँ पर हम जो है n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और इसके बाद हम m की वैल्यू
निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर देखिए डी आर निकालेंगे, तो डी के लिए हम कितने, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर जो है तीन इलेक्ट्रॉन इसमें जो है डाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, क्योंकि जो है हमको इसी टू को प्लस माइनस बनाना है, तो यहाँ पर इसके लिए माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हमारा कैसा हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको मत समझिएगा या क्योंकि इसमें दिया गया है थ्री डी लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से भर रहे हैं यहाँ से, तो हमारा जो है हमारा देखिए 19 20 21 ये हमारा 19वां, ये हमारा 20वां, हमारा 21वां इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 21 हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, जो ऑर्बिटल के नीचे दी होती है वही एम की वैल्यू होती है, और यस की वैल्यू हम निकालेंगे। स्पिन कैसा है, ये जो है इसका देखिए ऊपर है, इसका हेड जो है ऊपर है, तो जो है इसकी जो यस की वैल्यू होगी वह माइनस हाफ होगी। तो हाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।